अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस सादिया हूँ और आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन को रिवाइज करना है जो कि हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, आपका पसंदीदा फल क्या है? मैंगो। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? मैंगो। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? मैंगो। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? मैंगो। What is your favorite fruit? Mango. Question number 2 is what is your favorite vegetable? Potato. What is your favorite vegetable? Potato. What is your favorite vegetable? Potato. Question number 1 tha what is your favorite fruit? Mango. M-A-N-G-O. Mango. What is your favorite vegetable? Potato. P-O. T-A-T-O, potato. दोबारा एक दफ़ा रिपीट करते हैं। What is your favorite fruit? Mango. What is your favorite vegetable? Potato. आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, What is your country name? आपके मुल्क का नाम क्या है? पाकिस्तान। What is your country name? पाकिस्तान। आप किस मुल्क में रहते हैं? पाकिस्तान में। What is your country name? पाकिस्तान। 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 अब हम करते हैं जनरल नॉलेज की बुक जो कि आज हमारे पास है माई फैमिली। आपकी भी फैमिली होगी, आपको पता है आपकी फैमिली में कौन कौन है, फादर है, मदर है, ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है, ठीक है। ये है, आपने यहाँ पे लिखना है माई फादर नेम इज डैश, जो आपके फादर का नेम होगा। माई मदर नेम इज डैश, तो मदर का नाम होगा। माई ग्रैंड फादर नेम इज डैश, जो आपके ग्रैंड फादर दादा अबू का नाम है वो आएगा। माई ग्रैंड मदर नेम इज, जो आपकी दादी अम्मा का नाम है वो यहाँ आएगा। आज हम पढ़ेंगे माई फैमिली, मेरी, मेरा खानदान, माई फैमिली। उसकी लाइन्स है, लाइन नंबर 1, माई फादर इज अ डैश। आपके फादर क्या हैं, क्या काम करते हैं, आप वो बताएंगे, यहाँ राइट करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है। माई मदर इज अ डैश, आपके फादर जो काम करते हैं वो आप यहाँ लिखोगे। इसी तरह मदर आपकी जो काम करती है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, या कोई जॉब करती है, टीचर है, तो वो यहाँ वो मेंशन होगा, ठीक है। वो राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। आई हैव डैश फैमिली मेम्बर, आपको पता है आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, कितने अफराद हैं, तो आपने यहाँ राइट करना और लर्न भी करना। आई हैव, अगर 4 है तो आपको कहे आई हैव 4 फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है आई हैव डैश ब्रदर या ब्रदर्स, आपके कितने भाई हैं वो आपने यहाँ राइट करना है। आई हैव 2 ब्रदर या आई हैव 3, जितने भी आपके ब्रदर वो नाम आ जाएगा। आई हैव डैश सिस्टर, आपकी अगर बहनें हैं आपके अलावा तो वो कितनी हैं वो यहाँ राइट करेगा। माई फैमिली दोबारा स्टार्ट करते हैं। माई फादर इज अ डैश, अगर आपके डॉक्टर हैं पापा तो आप लिखोगे माई फादर इज अ डॉक्टर। आपकी मामा हाउस वाइफ हैं तो माई मदर इज अ हाउस वाइफ। आई हैव डैश फैमिली मेम्बर, आपके 4 फैमिली मेम्बर है तो 4 है, जितने हैं वो आ जाएगा। आई हैव डैश ब्रदर या ब्रदर्स, एक भाई है तो ब्रदर, अगर एक से ज़्यादा भाई हैं तो ब्रदर्स आएगा, ठीक है। आई हैव डैश सिस्टर, अगर एक बहन है तो सिस्टर और अगर ज़्यादा बहनें हैं तो सिस्टर्स आएगा, ठीक है, आपको निकाल कर। अब हमने क्या करना है, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अगला सवाल करेंगे, इसी तरह हम आगे का काम करेंगे, जो भी हमारा जनरल नॉलेज बुक का अगला पेज है वो डिस्कस करेंगे। आप सबने आज के हमारे इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है, अगर कुछ समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। इसका क्विज आपको आज ही दे दिया जाएगा जो कि आपने आज ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए, आपको उसका जवाब भी फौरी दिया जाएगा। कल का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।